हेलो नमस्ते सबको मेरी तरफ से माई सबीना राज आई एम अ थर्ड ईयर एम बीबीएसलिपाल आई वॉज इन प्लानिंग आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी स्मॉल टाइनी एंड इनसिग्निफिकेंट टू क्रिएट अ चेंज थ्रू माई विडियो बट आई वॉच द वीडियो इन द मॉर्निंग ऑन यूट्यूब विच मेड मी बिलीव दैट मे बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक डिस्कसिंग दिसर कैन क्रिएट अ चेंज एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम

हमारा फेवरेट प्लेस ऑफ वर्क जहां पर उनका रेप कर दिया गया रात को जब वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में गई थी और फिर सुबह जब उनके जूनियर्स ने उनको देखा वो एक बहुत ही पथेटिक कंडीशन में पाई गई शी वॉज ब्लीडिंग हर पेल्विक गर्डल उनकी जो बोन है वो टूट गई थी उनके लेग्स पर वाइड अपार्ट उनकी आंखों में से खून आ रहा था ये सब देखा गया फिर उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया और उनको बोल दिया गया कि ये तो एक सुसाइड केस है उसके बाद उनके पेरेंट्स को तीन घंटे उनसे मिलने नहीं दिया गया मतलब इतनी बुरी कंडीशन है उसके बाद हर पॉसिबल कोशिश की हर पॉसिबल कोशिश की गई है कि इस केस को दबा दिया जाए कि कॉलेज की रेपुटेशन बच जाए लेकिन जो लड़की उनके लिए काम कर रही थी उनके फेवर में कुछ नहीं किया गया उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया यार हम लोग कितना प्यार करते हैं अपने हॉस्पिटल से दिन रात वहां काम करते हैं दिल से काम करते हैं और मेरे जैसी इंसान आपको पता है मैं हमेशा ये क्यों बोलती हूँ कि मेरे को यूएस एमली नहीं देना मेरे को प्लान नहीं देना मेरे को तो नीट पीजी देना क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ जिन लोगों के बीच में मैं बड़ी हुई हूँ जिनके साथ मैं पढ़ी हूँ उनके लिए काम करना चाहती हूँ इसलिए यहाँ रहना चाहती हूँ लेकिन अगर हमारे लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट किया जा सकता तो कोई सेंस नहीं है ना इस कंट्री में रहकर इसके लिए काम करने का इतनी ही तो रिक्वायरमेंट है ना कि एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो हॉस्पिटल में जो लड़कियां रात भर काम कर रही हैं क्या उनके लिए गार्ड्स नहीं रखे जा सकते

कॉलेज ने उनके लिए कुछ नहीं किया उनके लिए स्टैंड नहीं लिया उनके लिए लड़े नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से से इट कांट बी इवन डन बाय अ अ सिंगल पर्सन उनके अंदर से जो अमाउंट ऑफ पाया गया है दैट दैट स्टेट्स इट्स गैंग रेप वी रियली नीड टू स्टैंड अगेंस्ट दिस उनके लिए उनके जस्टिस के लिए भी और ये जो उनके साथ हुआ है ना वो किसी भी लड़की के साथ हो सकता है एंड इट्स हॉरीफाइंग हमारे नेशन की हर लड़की के लिए ऐसा इंसान एकदम से बनता नहीं है ये उनकी परवरिश होती है जो उनको ये बनाती है अगर हर घर में अपने बेटों को माँ बहन की इज्जत करना सिखाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतना गंदा स्टेप इतनी हैवानियत दिखा दे सो द चेंज places. यार अभी के लिए जो मेरा प्राइम मोटिव है ना इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि प्लीज जो उस लड़की के साथ हुआ है ना उसको एटलीस्ट जस्टिस दे दो क्या ये बहुत अपेरेंट नहीं है कि जिस इंसान को आपने पकड़ा है वो आके सीधा बोल रहा है कि हाँ मैंने ही किया है मुझे फांसी दे दो क्या इसमें कुछ फिशी नहीं लग रहा है और जब ऑटोपसी रिपोर्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है तो वो हर इंसान जो इस चीज में इन्वॉल्व है वो पकड़ा जाना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए इस चीज की तभी शायद उस लड़की के पेरेंट्स को चैन की सांस आएगी आप उसके पेरेंट्स का दुख कभी बहुत कम तो नहीं कर सकते बट शायद उनके लिए एक चीज जो हम कर सकते हैं ना वो यही है कि उनकी बेटी को जस्टिस मिले सो लेट्स जस्ट स्टैंड अगेंस्ट इट एंड फाइट फॉर इट थैंक यू